हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक, जहां पे आपको मिल जाता है सॉल्यूशन आपकी सभी प्रॉब्लम का। दोस्तों, आज हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि फेसबुक में आप लोग किस तरीके से अपनी किसी भी पोस्ट की, या मतलब ये कहूँ कि अपनी सारी पोस्ट का जो प्राइवेसी स्टेटस होता है उसको ओनली फ्रेंड्स या ओनली मी या जो भी आप रखना चाहो कैसे कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। आप लोग फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करोगे, फिर से ओपन यहाँ पर आने के बाद आप लोग को अपनी प्रोफाइल में टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाने के बाद आप लोगों को आना है यहाँ पे पोस्ट्स। आपको यहाँ पे टाइप हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को आ जाना है। अब आप लोग आगे कोई भी पोस्ट करोगे तो आपकी ऑल पोस्ट सेम कैटेगरी में सेव होगी, ठीक है, सेम ऑडियंस के लिए आपकी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे सी ऑल में करके मैं यहाँ पे फ्रेंड्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई भी पोस्ट करूँगा, डन कर दूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही मेरी पोस्ट देख पाएंगे, यानी कि ये पोस्ट मेरी ओनली फ्रेंड्स में सेव हो जाएगी। फ़िलहाल मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद लिखा है लिमिट हु कैन सी पोस्ट पास्ट पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। तो इसमें आपको जो आपने पीछे जो पोस्ट करी है उसकी लिमिट यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हो। लिमिट ऑल पोस्ट, यू आर अबाउट टू लिमिट ऑल पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। द ओनली वे टू अनडू दिस विल बी चेंज द ऑडियंस ऑफ ईच पोस्ट। यानी कि इसमें बता रहे कि इसमें अब आप पास्ट में नहीं कर सकते हो कुछ भी चेंज, लेकिन आपके पास एक आखिरी रास्ता यही है कि आप लोग हर एक पोस्ट में जाके पर्सनली उसको चेंज करो। अदरवाइज आप लोग पास्ट पोस्ट का नहीं कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर पोस्ट जब आप लोग आगे अपलोड करोगे वो उसको आप लोग फ्रेंड्स में कर सकते हो, ताकि आपकी कोई भी फ्रेंड में आपको अलग से सेट ना करना पड़े, सारी पोस्ट आपके ओनली फ्रेंड में अपलोड हो। तो बस सिंपली यही तरीका था आप लोग की सारी पोस्ट को ओनली फ्रेंड में करके अपलोड करने का। इस तरीके से आप लोग ओनली फ्रेंड की प्राइवेसी लगा सकते हो।